हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ़ोन की फ़ोटो वीडियो या फिर कोई ऑडियो एसडी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड में नहीं जा रहा है तो कैसे आप भेजेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर ऐप को ओपन करना है। तो चलिए हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे, अगर आप यहाँ पर रिसेंट पे क्लिक किए हैं तो इस प्रकार का शो होगा। आपको देखिए कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको आना है नीचे। और गाइस, आपके फ़ोन में फ़ोन स्टोरेज या इंटरनल कार्ड या इंटरनल स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर जो फ़ोटो या फिर वीडियो रखे हैं आपको उस फोल्डर में जाकर चेक करना है कि कौन सा फ़ोटो वीडियो आप अपने एसडी कार्ड में ले जाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर खोजते हैं। तो मेरे इस फोल्डर में है फ़ोटो और वीडियो। अगर आप देखिए इन सभी को ले जाना चाहते हैं जो भी आपके पास है, तो फिर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे डिलीट करने के लिए करते हैं वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक किए रहेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं एक बार में सभी फ़ोटो या फिर वीडियो को सेलेक्ट करना, तो फिर आप ऊपर यहाँ पर क्लिक करना, देखिए सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर जो आपको नहीं ले जाना है उस पर क्लिक करेंगे, अनमार्क हो जाएगा। फिर गाइस, अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मूव या कट का और एक कॉपी का। हो सकता है आपके मोबाइल में ऊपर कहीं पर ऑप्शन हो या नीचे, तो मेरे मोबाइल में नीचे है। तो देखिए नीचे यहाँ पर कॉपी और मूव का ऑप्शन है, या फिर मूव के स्थान पर कट का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को, फ़ोटो या फिर वीडियो को यहाँ से हटाकर अपने फ़ोन में एसडी कार्ड में ले जाने का या फिर कॉपी करने का, तो आपको कॉपी और मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं करता हूँ मूव, यहाँ से हटकर मेरे एसडी कार्ड में चला जाएगा। तो मूव पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब एसडी कार्ड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं न्यू फोल्डर बनाना, तो ऊपर प्लस पे क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हैं। देखिए फिर आपको यहाँ पर देखिए फोल्डर बन जाएगा। फिर फोल्डर पर करना है क्लिक। फिर आपको नीचे क्लिक कर देना है मूव टू हर, या कॉपी करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से हट चुका है। अब आते हैं अपने एसडी कार्ड में, नीचे है, और अब चलते हैं इस वाले फोल्डर पे जो भी हमने बनाया। देखिए सभी फ़ोटो और वीडियो यहाँ पर शो हो गए हैं, वहाँ से यहाँ आ गए हैं। अगर कोई ऑडियो रहेगा तो भी आप इसी प्रकार कर पाएंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।